तो भाई और तुम्हारे भाई ने देख ली है हंटर, यानी कि अन्ना हमारे सुनील शेट्टी सर की वेब सीरीज, जो कि अमेजन मिनी टीवी पर फ्री में अवेलेबल है, और जाकर देखो। सीरीज में इतना कुछ है ना कि आपको सीरीज बांध कर रखती है। 35 से 40 मिनट के सारे एपिसोड है, आपको देखने पर तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि पहली बार आप सुनील शेट्टी सर को एक्शन में देखोगे, वो भी बहुत दिन बाद, क्योंकि सुनील शेट्टी सर हमारे टाइम का हीरो है और वो आज भी इतने फिट लग रहे हैं भाई की सलमान खान शर्मा जाए उनको देख कर, की इतना खतरनाक बॉडी है उनका, क्या फिजिक है यार बंदे की। बंदा शावर ले रहा होता ना ऐसा हाथ फैला के, वो भाई साहब 25 साल का जिम करने वाला बंदा भी शर्मा जाएगा भाई। इतनी खतरनाक बॉडी दिखाई गई है सुनील शेट्टी सर की, जो कि उनकी वाकई में है। और भाई एसीपी विक्रम का किरदार, यानी कि एक बैडस कॉप का किरदार है उनका, मतलब कहीं से भी वो अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा ही अंदर रखता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सीरीज, यानी कि राहुल देव एसीपी लेवल का बंदा है और सुनील शेट्टी भी एक एसीपी रैंक के बंदे हैं, दोनों एसीपी एसीपी हैं, लेकिन दोनों ही एक ही विलन के लिए काम करते हैं। पहले सुनील शेट्टी कर रहा होता है, बाद में वो राहुल देव करने लग जाते हैं, और दोनों ही करप्ट हैं इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन पूरा का पूरा सीन पलट जाता है एक छोटी सी चीज को लेकर, जो सुनील शेट्टी के थ्रू गलती हो जाती है, और उस गलती को सुधारने के लिए सुनील शेट्टी सारे हदें पार कर जाता है। और जैसे कि हमें ट्रेलर में पता है कि वो अपने परिवार से भी जूझ रहा है, तो वो परिवार आपको समझ में आ जाएगा भाई, क्योंकि फैमिली मैन से लेकर हर एक, जितने भी हमारे फर्जी से लेकर जितने भी अच्छे अच्छे वेब सीरीज आ रहे हैं ना, सब में पुलिस वाले के साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। चाहे आप सेक्रेट गेम ले लो, चाहे आप फैमिली मैन ले लो, चाहे फर्जी ले लो, सारे में पुलिस वालों के साथ कोई ना कोई फैमिली इशू तो है। पता नहीं क्यों ये ऐसा दिखाना चाहते हैं। एक पुलिस वाला भी एक अच्छी फैमिली वाला हो सकता है भाई, वो भी तो दिखाओ ना आप। एक अच्छी फैमिली वाला भी एक बैडस कॉप बन सकता है, आप ये भी तो दिखा सकते हो ना। कि ये सब क्यों नहीं दिखा रहे हो वेब सीरीज में, मुझे यही शिकायत है, क्योंकि ये सब रूटीन से लेने लगा है कि भाई देख देख के बोर हो गया कि एक पुलिस वाले की जिंदगी में क्या क्या ट्रेजेडी हो सकती है। जो इसकी वीडियो एडिटिंग है, जो इसकी एडिटिंग है, जो विजुअल्स हैं, वो साफ दिखते हैं कि भाई ये यहाँ पे VFX यूज़ किया गया है, वो पता चल जाता है। तो मतलब सोसो टाइप का है, बट फिर भी आपको मज़ा तो आएगा, क्योंकि इसमें जो सुनील शेट्टी सर का रूप है ना भाई, वो आपको इंगेज करेगा। प्लस राहुल देव का हरियाणवी एक्सेंट खतरनाक है यार, बंदे की बोली जो कड़क लैंग्वेज है ना भाई, खतरनाक है। और एक से एक डायलॉग है, चाहे सुनील शेट्टी के मुंह से हो, चाहे राहुल देव के मुंह से हो, दोनों के दोनों जब भी डायलॉग बाजी पे आते हैं ना भाई, तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मारते हैं ना जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है भाई। पूरी की पूरी सीरीज माफिया से जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी ड्रग से जुड़ी हुई है, एक रैकेट चल रहा है उससे जुड़ी हुई है, तो वो सब आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इतना बता दो कि भाई एक्शन भर भर के इस पूरी सीरीज में, लेकिन इतने भी नहीं है कि आप बोलो कि हाँ यार ये जॉन विक के लेवल का है, क्योंकि जॉन विक की बराबरी अब कोई कर तो सकता नहीं, लेकिन हाँ बॉलीवुड के हिसाब से इसका एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा है। इसके जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगे वो 60-70s के जो गाने हैं ना, उनको जिस तरह से उन्होंने रॉक वर्जन में प्ले करके पूरी थीम के साथ जोड़ के बनाया है ना भाई, वो सुनने में उस सिचुएशन पर बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मज़ा तो देती है सीरीज। जाकर देखो, अगर अभी तक देखा नहीं तो भाई क्या कर रहे हो, ये सीरीज को देख डालो, चाट डालो, मज़ा आने वाला है। एक बार अगर आपने देखना चालू किया तो आप रुकोगे नहीं जब तक सीरीज खत्म नहीं होती, तो मज़ा तो भरपूर आएगा भाई। और अगर मेरे वीडियो को देख लिया है तो चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। मिलता है फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।